आज हम डिस्कस करेंगे कुछ ट्रिकी क्वेश्चन रिलेटेड टू इमेजिनरी नंबर और रिलेटेड टू कॉम्प्लेक्स नंबर। तो ट्रिकी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे तो हम ट्राई करेंगे सॉल्व करने की। हमारे पास गिवन इक्वेशन है, वी नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस गिवन इक्वेशंस। दैट मीन्स वी है माइनस अंडर रूट माइनस वन ए टेन प्लस वन प्लस माइनस अंडर रूट माइनस वन रेज टू पावर एट एन प्लस थ्री। हमने कॉम्प्लेक्स नंबर डिस्कस किए हैं और हमें कॉम्प्लेक्स नंबर में पता है अंडर रूट माइनस वन की वैल्यू हमारे पास आइटा होती है। सो हम रिप्लेस करेंगे अंडर रूट माइनस वन जहाँ भी है वहाँ उस वैल्यू को हम आयोटा से रिप्लेस करेंगे। सो हमारे पास फर्दर आता है माइनस आइटा रेज टू पावर एट एन प्लस वन प्लस माइनस आइटा रेज टू पावर एट एन प्लस थ्री, विच इज फर्दर हम सिंप्लीफाई करेंगे। माइनस वन को बाहर निकालेंगे, माइनस वन एट रेज टू पावर एन प्लस वन इंटू आइटा रेज टू पावर एट एन प्लस वन प्लस माइनस वन एट रेज टू पावर एन प्लस थ्री इंटू आइटा रेज पावर एट एन प्लस थ्री, जो फर्दर इक्वल टू होगा माइनस वन रेज पावर एट एन इंटू माइनस वन इंटू आइटा रेज पावर एट एन इंटू आइटा प्लस माइनस वन रेज पावर एट एन इंटू माइनस वन टू पावर थ्री इंटू आइटा रेज पावर एट एन इंटू आइटा रेज पावर थ्री। क्योंकि हम सपोज हमारे पास ए रेज पावर एम एन है, हम उसको लिख सकते हैं ए रेज पावर एन इंटू ए रेज पावर की एन की फॉर्म। सो फर्दर हमारे पास हो जाएगा माइनस वन रेज पावर एट रेज पावर एन, क्योंकि ए रेज पावर एम एन को हम ए रेज पावर एम टू द होल पावर एन की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। सो इंटू माइनस वन इंटू हम इसको लिखेंगे आइटा रेज पावर फोर रेज पावर टू एन इंटू आइटा प्लस माइनस वन रेज पावर एट टू द होल पावर एन इंटू माइनस वन टू पावर थ्री इंटू आइटा रेज पावर फोर टू द होल पावर टू एन इंटू आइटा क्यू। और हम जानते हैं माइनस वन टू द पावर एट हमारे पास वन है, क्योंकि माइनस वन स्क्वेयर टू द पावर फोर की टर्म में लिख सकते हैं हम एट को, विच इक्वल टू माइनस वन इंटू माइनस वन, वन आ गया हमारे पास। सो हमारे पास वन रेज टू पावर फोर विच इक्वल टू वन। सो सिंप्लीफाई एनीथिंग वन रेज पावर एनीथिंग वन एंड माइनस वी हैव ऑलरेडी। सो एंड वी ऑल्सो नो आइटा रेज टू पावर फोर we have one value of iota rate power, that means we have minus 1 into again 1 raised power 2n into iota plus, as we know minus 1 raised power 8 equal to 1 and anything greater 1 raised power anything equal to 1, so we have minus 1 cube into again आइटा रेज पावर फोर भी है वन, और वन की पावर कोई भी हो, वन की पावर टू एन वो ए के बराबर है। सो हमारे पास वैल्यू आ गई फाइनली इनटू आइटा क्यूब, विच इज फर्दर इक्वल टू माइनस आइटा प्लस माइनस वन टू पावर थ्री इंटू आइटा क्यू। हम जानते हैं माइनस वन की पावर थ्री है, तो हमारे पास माइनस वन इंटू माइनस वन इंटू माइनस वन इज फर्दर इक्वल टू माइनस वन इंटू माइनस वन प्लस वन इंटू माइनस वन विच इज फर्दर इक्वल टू माइनस वन। सो
सो वी हैव माइनस आइटा माइनस आइटा की, और हम जानते हैं आइटा क्यूब को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं आइटा स्क्वायर इनटू आइटा में विच इक्वल टू माइनस आइटा. सो फाइनली वी हैव माइनस आइटा और माइनस आइटा में एक्सप्रेस कर सकते हैं आइटा क्यूब को. सो वी हैव माइनस ऑफ और आइटा क्यूब की वैल्यू हमारे पास आइटा क्यूब इक्वल टू माइनस आइटा. सो वी हैव माइनस ऑफ माइनस आइटा विच इज फर्दर इक्वल टू माइनस आइटा प्लस आइटा. ये इसको कैंसिल आउट कर देगा और हमारे पास एक्सप्रेशन की वैल्यू आ जाएगी जीरो. दैट मीन्स फाइनली हमारे पास इस एक्सप्रेशन की वैल्यू जीरो है.